बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने का तावीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का मौजू उन बहनों के लिए है जिनके शोहर नामहरम लड़कियों से दोस्ती करते हैं और अपनी बीवी की मोहब्बत और खिदमात का एहतराम नहीं करते और ना ही उसे वो इज़्ज़त देते हैं जिसकी वो हकदार है। शोहर का गैर औरतों से मोहब्बत का नाजायज़ रिश्ता किसी भी मुआशरे या बीवी को किसी सूरत काबिले कबूल नहीं होता, मगर फिर भी हर बीवी पहले से कहीं बढ़कर शोहर की मोहब्बत और तवज्जो पाने के लिए उसकी बढ़ चढ़कर खिदमत करती है और खुद चाहे किसी भी तकलीफ या बीमारी में मुब्तला हो मगर जहां तक हिम्मत साथ दे वो शोहर की हर चीज़ का ख्याल रखती है। जब एक खिदमत गुजार और मोहब्बत करने वाली बीवी के जज्बात की कोई कदर ना हो तो वो शोहर से मुतनफ़र होना शुरू हो जाती है। जैसे ही कोई बीवी शोहर से मुतनफ़र होती है तो शैतान का वार उस पर फौरी चल जाता है। शैतान उस बीवी के दिलो दिमाग में शोहर से नफरत और नाफरमानी की ऐसी सोचें डालता है कि वो भी नामहरम मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करे और शोहर की नाफरमान हो जाए, जिसका आगाज़ यहाँ से होता है कि वो बीवी शोहर के सामने बदज़ुबानी पर उतर आती है, जिससे मियाँ बीवी के रिश्ते में गलत फहमियाँ, लड़ाई झगड़े और नफरत इस कदर बढ़ जाती है कि वो दोनों या तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या उस बीवी को तलाक हो जाती है। बाज़ बीवियाँ ईमान की इस कदर मजबूत होती हैं कि वो शैतान की किसी भी बुरी सोच को खुद पर हावी नहीं होने देती और हालात जैसे भी हों वो उन्हें बर्दाश्त करके अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन बीवियाँ साबित होती हैं। बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि उन पर किसी ने जादू टूना या बंदिश करवा दी है, इसलिए शोहर गैर औरतों की तरफ मायल है। तो ऐसी सूरत में हम आपको ऐसा ज़बरदस्त रूहानी इलाज बता रहे हैं जिस पर हर बीवी अमल करके शोहर की मोहब्बत और तवज्जो पा सकती है। अगर कोई बीवी ये चाहे कि उसका शोहर हर गैर औरत से ताल्लुकात ख़त्म कर दे और अपनी ही बीवी से मोहब्बत करे तो उसके लिए हमारे रूहानी माहिरीन ने नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने का तावीज़ कुरानी आयात और इस्मे आज़म से तहरीर फरमाया, जो कि फौरी असर करता है। इस तावीज़ की बरकत से शोहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत और चाहत के ऐसे जज्बात पैदा होने लगते हैं कि उसकी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी औरतों से हटना शुरू हो जाती है। इस तावीज़ के साथ जब वो बीवी अपने नाम के आदात के मुताबिक इस्मे आज़म की तलावत भी शुरू कर देती है तो इस तावीज़ का असर कई गुना बढ़ जाता है और इस अमल की बरकत से 21 दिनों के अंदर शोहर के रवैये में नरमी आने लगती है और उसे बीवी में ऐसी कशिश नज़र आती है जो किसी भी गैर औरत में हरगिज़ उसे नज़र ना आएगी। इसी बिना पर शोहर बीवी से मोहब्बत करने लगता है और उनका रिश्ता हमेशा कायम रहता है। नक्श हासिल करने का तरीका। नाज़रीन, अगर आप ये नक्श फ़ी सबीलिल्लाह हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह के हजूर ये अहद करें कि आप एक माह के अंदर 5 अफराद को अल्लाह के ज़िक्र कर लगाएंगे और कम अज़ कम 2 बुराइयां अपने जिस्म से हमेशा के लिए निकालेंगे और 2 ऐसी नेकियाँ अपनाएँगे जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो, और इस अहद को एक माह के अंदर पूरा करना लाजिम होगा। अगर आपके लिए इस अहद को पूरा करना मुश्किल हो जाए तो आप इस नक्श का 1400 रुपये हदिया अदा करके भी हासिल कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में फैज़ एक जैसा होगा इंशाल्लाह। नक्श हासिल करने के लिए मर्द हजरात हसनैन साहब से 03065111214 पर और ख़वातीन 03217970893 पर राबता कायम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।